हेलो माय लवली सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, मैं हूँ विपाक्षी घोष और इस चैनल पे बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ और ऐसे मंत्राज लेकर आती हूँ जो आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बस सुनने भर से। अगर आप चाहते हैं आपकी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, आपकी स्किन ग्लो करे, अगर आप चाहते हो कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखे तो देखते रह जाए, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब हो आपका, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा हो आपका, लोग देखते ही बात करते ही आपको पसंद करने लगे। कभी कभी होता है ना हमारे लाइफ में कि हम प्रॉब्लम्स को ढूंढे या ना ढूंढे, प्रॉब्लम्स हमको ढूंढ लेती है। इस चीज़ को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप ढूंढो ना ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढ ले, आप पॉजिटिव लोगों को ढूंढो ना ढूंढो, पॉजिटिव लोग आपको ढूंढे, पॉजिटिव माहौल आपको हमेशा मिले, आप जहाँ पे भी जाओ उस जगह का माहौल पॉजिटिव हो जाए, अगर ये सब कुछ आप चाहते हो अपने लाइफ में तो आज की ये टेक्निक आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको चाहिए एक बाउल में पानी और एक गुलाब का फूल। अभी आगे इस वीडियो में जो मंत्र चांटिंग आएगी उस मंत्र को आपको लगा देना है, लगा के, क्योंकि वो वॉइस आपको सुनाई देना चाहिए, वो मंत्र आपके माइंड में चलना चाहिए। सबसे पहले आप पानी के बाउल को अपने हाथ में लेंगे, लेके मन में बोलेंगे आई इन्वाइट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज टू हेल्प मी इन द रिचुअल। उसके बाद आप गुलाब की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़ के उस बाउल में डालेंगे। उसके बाद गुलाब की जो लीव्स है उसको भी तोड़ के आप उस बाउल में डालेंगे। डाल के ये जो मंत्र आप बैकग्राउंड में लगा के रखेंगे, जो आपके माइंड में भी चलता रहेगा, ये सुनते सुनते आपको गुलाब की पंखुड़ियों को और लीव्स को क्रश करना है, अपने बाउल में क्रश करना है। और तब तक क्रश करना है जब तक पानी जो है लाइट पिंक कलर का ना हो जाए। लीव्स को ज़्यादा क्रश मत कीजिएगा, नहीं तो ग्रीन कलर हो जाएगा। गुलाब की पंखुड़ियों को क्रश करना है अच्छी तरीके से, ताकि वो जो पानी है वो पिंक कलर का हो जाए। उसके बाद मंत्र चांटिंग, ये 10 मिनट्स आपको मंत्र चांटिंग लगानी है, लगा के ये रिचुअल ख़त्म करना है। उसके बाद आपको वो पानी को स्ट्रेन करना है, स्ट्रेन करके आपकी फेस को उस पानी से धोना है और आपके बैक में जो आपके नेक का बैक है उसको भी उस पानी से धोना है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप फेस को धोते हो उस पानी से तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाते हो अपने लिए, और जब आप नेक के पीछे वॉश करते हो सेम पानी से, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है आपके लाइफ में, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है, वो सब रिमूव हो जाएगा। इसको आपको रिपीट करना है 7 डेज तक, 7 डेज रेगुलरली आपको ये रिपीट करना है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाएगी। अभी मैं मंत्र चांटिंग में आपको डायरेक्ट कर रही हूँ, उस मंत्र को सुने, उसको माइंड में दोहराए, ताकि आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। मंत्र सुनने से पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले, और क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए सुनते हैं मंत्र को। ओम हुं, ओम हुं, ॐ हुं, ॐ हुं, ह्रीं, 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 ॐ हुं, ॐ हुं,
रीम ओम हुम ओम हुम 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 रीम ओम हुम रीम।